तो बल्लभबाजार में नगर के बीच में स्थित मुरुम तालाब का सौंदर्यकरण कार्य समय सीमा 5 साल बीत जाने के बाद भी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। साथ ही यहां शुरू की जाने वाली चौपाटी योजना भी अधर में लटक गई है और तालाब सौंदर्यकरण के साथ चौपाटी योजना के तहत बनी निर्मित दुकानें भी अब खंडहर होने लगी है, जिसके कारण शासन को नुकसान हो रहा है। मुरुम तालाब सौंदर्यकरण के कार्य के लिए अब तक 3 ठेकेदारों को बदला गया है और तीनों ठेकेदारों को अब तक लाखों का भुगतान करने के बाद भी नहीं काम पूरा हो सका है। बल्लभबाजार के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ स्थानीय नागरिकों को कम मिलेगा कहा नहीं जा सकता। मुरुम तालाब का जो काम रिटेंडर हुआ था वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसका कुछ अतिरिक्त सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के द्वारा के उसे हमने जमा किया है वहाँ पर, जिसकी जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। वो स्वीकृति होने के बाद इसका काम पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा। मुरुम तालाब का जो काम रिटेंडर हुआ था वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन